भैरव की 7 दिन की मंत्र सट्टा साधना। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से पहले भी काफी साधनाएं मैं आपको बता चुका हूं, दड़े सट्टे के अंक को प्राप्त करने वाली 3 पत्ती वाली और IPL वाली काफी साधनाओं की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता चुका हूं। तो आज बहुत से साधकों के कहने से कि गुरु जी कोई बाबा काल भैरव नाथ जी की ऐसी हमें साधना बताएं जो सरल भी हो और जो हमें नित्य ही दड़े सट्टे के अंकों की प्राप्ति करवाती रहे और जिसमें कोई ज़्यादा बंधन ना हो। तो ऐसी ही साधना आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और यह जो दड़े सट्टे के अंकों को प्राप्त करने वाली यह जो साधना है, तो इसके लिए आपको बाबा काल भैरवनाथ जी को तामसिक भोग लगाना पड़ेगा। तो बाबा काल भैरवनाथ जी के जो दूत हैं वह आपको दड़े सट्टे के अंकों की प्राप्ति करवाएंगे। वह जो दड़े सट्टे के अंक हैं आपको स्वप्न में नजर आ सकते हैं, जब आपको साक्षात जिस समय आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो साक्षात बाबा काल भैरवनाथ के जो दूत हैं बाबा काल भैरवनाथ खुद आपके कान में आकर भी जे जो दड़े सट्टे के अंक हैं जे आपको बताएंगे। लेकिन जे जो साधना है 7 दिन की, 7 दिन की ही केवल ये साधना है, 7 दिन आप इस मंत्र का जाप करते रहें और रुद्राक्ष की माला से आपने इस मंत्र का आपने जाप करना है बाबा काल भैरवनाथ जी के। और यह जो साधना है कोई भी पुरुष कर सकता है और कोई भी स्त्री इस साधना सिद्धि को कर सकते हैं। और इसके लिए जो लोफा जो भोग प्रसाद है पहले वह भी मैं आपको बता दूं, तो रेगुलर 7 दिन आपने साधना को करना है, रविवार से लेकर रविवार तक। एक रविवार से आप आरंभ कर दे रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, तो रविवार वाले दिन पहले दिन एक तो आपने तामसिक भोग बाबा काल भैरवनाथ जी को लगाना है। उसके बाद 7 दिनों के बाद जो रविवार आएगा फिर से आपने वही भोग लगाना है। और रेगुलर क्या भोग लगाना है इसकी जानकारी भी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आपने बाबा काल भैरवनाथ जी के नाम की एक मदरा की बोतल, एक शराब की बोतल लेकर आनी है आपने। वह जो मदरा है देसी भी हो सकती है और अंग्रेजी भी हो सकती है। और इसके साथ आपने केवल दो लड्डू बूंदी वाले लेकर आने हैं और जोड़ा ही आपने लौंगों का, केवल यही इसका भोग प्रसाद है। और एक सरसों के तेल का दीपक आपने अपने सामने जगाकर आपने रखना है जब आपने इस साधना सिद्धि को करना है बाबा काल भैरवनाथ जी की, ये जो साधना सिद्धि है। और उसके बाद दीपक रोशन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने अपने सामने एक जल का कमंडल आपने अपने सामने भरकर रखना है। और जिस आसन के ऊपर आपने 7 दिन रेगुलर जाप करना है ब्लैक काला आपका आसन होना चाहिए।
और ये जो जाप आपने करना है रात्रि के समय एक समा बांध लें सूर्य अस्त होने के बाद, और जो आपने जाप करना है रुद्राक्ष की माला के द्वारा, रुद्राक्ष की माला से आपने जाप करना है। तो जब इस जो जाप आपने आरंभ करना है, जा तो थोड़े से गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी तैयार कर लें, जा एक कपूर की टिकिया भी आप जला सकते हैं। उसके बाद दीपक रोशन कर दें। दीपक रोशन करने के बाद उस दीपक के आगे या तो गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी रख दें या फिर कपूर की टिकिया आप रख दें। तो उसमें आपने थोड़ा सा सरसों का तेल आपने डाल देना है, एक अहूति डाल देनी है। पहले अग्नि चेतन आप कर लें, चाहे कपूर की टिकिया हो या गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी हो, थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर आपने अग्नि चेतन कर लेनी है। उसके बाद वह जो दो लड्डू और दो लौंग है, दो लड्डुओं का थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ने के बाद तो आपने एक अहूति डाल देनी है बाबा काल भैरवनाथ जी का नाम लेकर, और जोड़ा लौंगों का भी अहूति में आपने डाल देना है। और तीन बार जो आगे मैं आपको मंत्र बताऊंगा, तीन बार उस मंत्र का जाप करने के बाद तीन अहूतियां शराब की उस चिराग के आगे आपने डाल देनी है उस अग्नि में। तो जो जो भोग प्रसाद है शराब का, पहले दिन और लास्ट वाले दिन आपने जे शराब का मदरा का भोग देना है, और रेगुलर 7 दिन आपने ऐसे ही दीपक रोशन करना है और दो लड्डू और दो लौंगों का भोग आपने लगाते रहना है ऐसे। और जो दो लड्डू होंगे वह अपने सर के ऊपर से फिर आपने 7 बार क्लॉकवाइज उनको बारना है। पहले तो आप उस चिराग के जो दिया रोशन किया है आपने, जो अहूति आपने डाली है अग्नि के ऊपर, 7 बार उसके ऊपर से वार लें, फिर अपने सर के ऊपर से 7 बार वार कर जब पाठ से आप जागेंगे, वहां से उठेंगे, तब आपने द्रवेश को, डॉगी को, कुत्ते को उसको डाल देना है। तो रेगुलर इस विधि का प्रयोग करते रहें। और जो वह मदरा है तो उसको आप खुद भी सेवन कर सकते हैं अगर आप मदरा पान करते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो मदरा पान करता हो, या भैरव के मंदिर में जाकर भी आप चढ़ाकर आ सकते हैं। तो इससे आपको दड़े सट्टे के अंकों की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा इस विधि के अनुसार। लेकिन फिर भी आप इस मंत्र का जाप करते रहें जो यह मंत्र मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो इस मंत्र को आप नोट कर लें। तो ये ऐसा मंत्र है, अगर आपने इसकी साधना सिद्धि को प्राप्त कर लिया तो दड़े सट्टे के अंकों की झड़ी लगा देंगे बाबा काल भैरवनाथ। लेकिन जो भी आपको स्वप्न में ये नंबर वगैरह कुछ दिखाएं, तो आपने किसी के साथ बात नहीं करनी, बवाल नहीं मचाना, केवल एक व्यक्ति को आप बता सकते हैं, वह भी आपने स्वप्न नहीं बताना, आपने उसको बनाकर दे देना है कि ये दड़े सट्टे का अंक आपने लगाना है, और उसमें से आप दसवंध भी निकालते रहें, उसमें से कुछ ना कुछ लूफा निकालते रहें दान पुण्य के लिए, तभी आपको यह जो दड़े सट्टे के अंकों का जो धन है तभी फलीभूत होगा। तो अब आप इस मंत्र को नोट कर लें। जागो भैरव मद पान कर, जागे भैरव के दूत, दड़े सट्टे के अंक बताओ शिव के रुद्र रूप। एक बार फिर से मैं मंत्र बता रहा हूं। जागो भैरव मद पान कर, जागे भैरव के दूत, दड़े सट्टे के अंक बताओ शिव के रुद्र रूप। इसी मंत्र का जाप करना है, रुद्राक्ष की माला से आपने जाप करना है। लेकिन आपको कभी भी दड़े सट्टे के ये जो विधि है इसका आपको आदि नहीं होना चाहिए, जब सही रूप से प्रत्यक्षीकरण हो जाए तभी आपने दड़े सट्टे के ये जो अंक हैं इनको लगाना है, इससे आपको धन की प्राप्ति होना आरंभ हो जाएगा। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी आप इसको लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, अब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।
अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।